भरी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्पा इना बोतल के विटामिन सी और ई सीरम पर। यह ग्लास पैकेजिंग में आपको 30 ml तक मिलेगा। इसकी प्राइस 1950 रुपए है। अरे अरे रुके, परेशान मत हो कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है। नहीं, इसकी इतनी सी प्राइस में भी आपको इसके इतने अच्छे और कीमती इंग्रेडिएंट्स मिलने वाले हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपकी स्किन को इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। चलिए, आंखें और कान खुले रखिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मुकम्मल इसको सुनिएगा और इसके बारे में जानिएगा। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपको क्या फायदा देने वाले हैं, ये क्या नुकसान है, ये अपनी ग्लास पैकेजिंग की वजह से इन दो डब्बों के अंदर आपको छुपा हुआ मिलेगा। इसके इस डब्बे के ऊपर इनकी वेबसाइट का एड्रेस और इसके अलावा इनके फेसबुक पेज का एड्रेस भी लिखा हुआ है। आप इसको इनकी वेबसाइट एड्रेस से बहुत ईजीली बाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी एप्लीकेशन जो है वो वाटरी फॉर्म सी है, यू कैन सी। और इसके अलावा मुझे ये चावलों के पानी जैसा लगता है, लेकिन ये चावलों के पानी जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही प्यारे और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है और वो ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, अब उन पे तफसील से बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके मेन इंग्रेडिएंट विटामिन सी के ऊपर बात कर लेते हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। इसके अलावा हमारी स्किन पर मौजूद पिगमेंटेशन को फेड करता है, हमारी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग करता है और हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। विटामिन सी पर ही हम बात करने लग गए तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाएंगे। अब इसके दूसरे इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड पर बात करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन पर मौजूद रिंकल्स को रिड्यूस करता है, रेडनेस को ख़त्म करता है और ये रेड और नेचुरली तरीके से ये हमारी स्किन के डैमेजेस को रिपेयर करता है। अब इसके तीसरे इंग्रेडिएंट्स पर बात करते हैं, वाइट हेजल। वाइट हेजल जो है हमारी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत बेहतर इंग्रेडिएंट माना जाता है। ये हमारी स्किन को सूथिंग करता है, एक्नी स्कार्स को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है और हमारी स्किन डैमेजेस को ठीक करता है। इसका जो चौथा यानी कि मेन इंग्रेडिएंट है वो है जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल वैसे नॉर्थ अमेरिका में उगाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं वो जोजोबा ऑयल को अपनी स्किन केयर में लाजमी इस्तेमाल करते हैं। ये ऑयल हमारी स्किन को बहुत अच्छे से जो है मॉइस्चराइज करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। अगर हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स पर जो इस सीरम में यूज़ किए गए हैं बात करेंगे तो तफसील से बात करते हुए हमारी वीडियो एक दो घंटे तो कहीं भी नहीं गए। इसलिए मैंने आपको इसका मेन काम बता दिया है। घंटों की वीडियो बनाकर मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करना चाहती। आप मेरी 3-4 मिनट की या 2-3 मिनट की वीडियो देख ले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल पर। इसको आपने दिन और रात में अपनी उंगलियों के ऊपर लेना है, रब करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है और जब ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए तो आप अपनी कोई भी नाइट क्रीम और डे क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिटेल रिव्यू के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अगर आप इस सीरम पर 1950 रुपये लगाते हैं तो वो आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये तमाम स्किन के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा ये आपके एक्नी स्कार्स, पिगमेंटेशन और रिंकल्स को ट्रीट करेगा। इसके अलावा आपकी स्किन की डलनेस को ख़त्म करके आपकी स्किन को फेयर और यूथफुल कर देगा। इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।